أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديث ساتھیو، सर्दी की आमद आमद है। हर तरफ से लोग सर्दी की तैयारी कर रहे हैं। दुकानदार भी ऐसे ही माल और सामान अपनी दुकान के सामने रख रहा है जो सर्दी में इस्तेमाल होते हैं, और लोग भी उसके लिए अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। कोई पुराने कपड़े रखे हैं उसको ढूंढ करके निकाल रहा है, कोई नए कपड़े खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं से नए सर्दी में पहनने के लिए कपड़े मंगा रहा है। यानी सारे लोग गोया कि सर्दी की तैयारी में हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उमूमी तौर पर आम लोगों की नज़रों से गाफिल हैं। हालांकि ये चीज़ें हक हैं, ऐसा करना चाहिए, सर्दी से बचने के लिए तदबीर करनी चाहिए, वरना यही सर्दी बहुत से लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत से लोग परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। ये मतलूब है, इंसान को करना चाहिए सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से हिफाजत के लिए उसे जो तदाबीर शरई तौर पर हैं उनका उसका इख्तियार करना चाहिए। ये नहीं है कि पहनने के लिए कपड़े तो बहुत हैं लेकिन सर्दी में कोई कपड़ा ही नहीं पहन रहा है। अपने पास वजू करने के लिए गर्म पानी मौजूद है लेकिन फिर भी ठंडे पानी से वजू कर रहा है। वजू किया ठंडे पानी से, अपने पास कपड़ा मौजूद है कि उससे अपने पानी को साफ कर ले, लेकिन फिर भी बड़ा बुजुर्ग बनने के लिए, है ना, बड़ा बहादुर बनने के लिए अपना उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो शरीयत ये इजाजत नहीं देती। बल्कि अगर कोई इंसान ऐसी तदबीर नहीं करता जिससे सर्दी से बचा जा सके तो अल्लाह ताला के गुनहगार होगा वो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जहां यह हुक्म दिया है कि अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखें, वहीं यह भी हुक्म दिया है कि इंसान इन चीजों से जो उसके लिए खतरनाक हो, नुकसानदेह, उससे बचने की तदबीर भी करे। तो सर्दी की वजह से जो बचने की कोशिश की जा रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में चंद बातें मुझे आपके सामने रखनी है। पहली चीज कि हम ये देखें कि आखिर सर्दी है क्या, सर्दी क्यों आती है, सर्दी की वजह क्या है। आम तौर पर इसकी वजह हम लोग मौसम की तब्दीली यही तो समझते हैं ना कि मौसम
तब्दील हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम आ रहा है, यही उसकी असल वजह है। उसमें सूरज की हरकत का भी बहुत बड़ा दखल है। देखिए, इसलिए कि सूरज गर्मी में उसके तुलू होने की जगह और होती है और सर्दी में तुलू होने की जगह और होती है। सर्दी में गर्मी में वही सूरज हमारे और आपके ऊपर कितने घंटों तक, 12-13 घंटे तक तुलू रहा करता है, और गर्मी में सर्दी में उससे कम रहता है। ये एक वजह है उसकी, लेकिन उसकी असल वजह अल्लाह ताला ने क्या रखी कि आखिर सर्दी और गर्मी आती क्यों, या सर्दी और गर्मी में शिद्दत कैसे आती है? उसकी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी शरीफ के हदीस बयान फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जहन्नम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और ज़ाहिर बात पैदा की गई है जहन्नम बहुत पहले से, जन्नत और जहन्नम तैयार हैं, अल्लाह के नेक बंदों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है और मुखालफत करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई, ये दोनों चीज़ें हैं। तो जहन्नम की आग जितनी तेज है, हम आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो आग तेज से तेज जो आग हो, कोयले की आग हो, लकड़ी की आग नहीं तो कोयले की आग हो, डीजल और पेट्रोल की आग हो, इस आग की तेजी उस आग के मुकाबले में 70 गुना कम है। कितना? 70 गुना कम, जो आग जहन्नम की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग ने शिकायत किया जहन्नम ने कि ऐ अल्लाह तबारक तआला, अब खुद मेरी गर्मी मुझसे काबिले बर्दाश्त नहीं है, अकला बादी बादा, मेरे बाद हिस्सा, मेरा बाद हिस्सा खुद हमें चटकर, बाद हिस्से को चटकर जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को साल में 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस बाहर निकलती है और एक सांस अंदर की तरफ आती है। उसकी क्या कैफियत है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है उसकी क्या कैफियत है। तो जब सांस बाहर आती है तो गोया उसकी गर्मी बाहर आई और दुनिया के अंदर गर्मी पैदा हो गई, और जब सांस को उसने अंदर किया तो गोया जो दुनिया की गर्मी थी उसने जहन्नम ने खींच लिया, तो वही सख्त सर्दी पैदा हो गई। तो असल सबब सर्दी और गर्मी का जो है क्या है, यह है। इसलिए साथियों, शायद कभी हमने तफसील से बयान किया था कि सर्दी और गर्मी मौसम, इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि बाद जानवर ऐसे हैं कि उनके लिए सर्दी ही बेहतर है कि नहीं, और बाद जानवर ऐसे हैं उनके लिए गर्मी ही बेहतर है। हमारे और आपके यहां बाद फल हैं, अगर गर्मी ना हो तो फल में लज्जत नहीं रहेगी, और बाद फल ऐसे हैं कि सर्दी ना हो तो उसमें लज्जत नहीं रहेगी। बाद गल्ले सर्दी में उगते हैं और बाद गल्ले गर्मी में, तो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ने हर चीज अपनी हिकमत से रखा है। लिहाजा सर्दी को और गर्मी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ताला की मखलूक है, और अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज कोई बुरी नहीं है, कोई चीज गंदी नहीं है। किसी के अंदर अगर बुराई और खराबी पैदा हो गई तो किसी दूसरे सबब से, मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है, बच्चा गलती करता उसे मारता है कि नहीं, यही चीज बच्चे को क्या है, बुरी लगती है, लेकिन उस्ताद को यही चीज है कि नहीं, है तो एक ही चीज ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की यह पैदा की हुई चीज जो सर्दी और गर्मी है, बुरी नहीं है, इसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता इससे बचने के ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए, इंसान को यह तरीका इख्तियार करना चाहिए, यह तरीका सोचना चाहिए। इसीलिए सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे गाली देता, मुझे बुरा भला कहता है। आदम का बेटा कौन है? आदम का बेटा जी कौन है? हम और आप है ना। आदम का बेटा हमें गाली देता है, बुरा भला कहता है, वो कैसे भाई? कहा कि वो जमाने को बुरा भला और गाली देता है।
हालांकि जमाना किसने बनाया है जी? हमने बनाया है। जमाने को उलटफेर कौन करता है? आज सर्दी है, कल गर्मी है, आज बारिश है, कल लू चल रही है ना। बाज फल ऐसे हैं दुनिया में, अगर लू ना चले, ये खजूर है, ये अगर लू ना चले तो पकेगी नहीं खजूर, ये यहां पर है कि नहीं। और हमारे यहां आम है, इसी मौसम में है, अगर बारिश ना हो तो आम में कोई लज्जत नहीं रह जाएगी। ये अल्लाह की हिकमत देखिए, है वही चीज ना। लू अगर चल रही है तो एक फल क्या है, वो लजीज हो रहा है, पक रहा है, और लू चल रही है तो एक फल क्या है, वो बेकार हो जा रहा है। तो कोई चीज अल्लाह की जो बनाई हुई है, क्या वो बुरी नहीं है? नहीं है चीज निकम्मी, कोई जमाने में कोई बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में अल्लाह ताला के यहां कोई चीज बुरी नहीं है। लिहाजा किसी चीज को हमें आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज, हम ये सोचें कि आखिर इस सर्दी के मौसम में हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। एक चीज बात है कि हम कैसे अल्लाह ताला की इस मखलूक, अल्लाह ताला की जो पैदा की हुई यह मखलूक है और बदाहिर हमारे लिए वरर और नुकसान दे है, हम उसको कैसे अपनाएं? पहली चीज साथियों, इंसान सब्र करे। सर्दी लगेगी ना, तकलीफ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बजाय इसके कि इंसान उसे बुरा भला कहना शुरू करे, क्या करे वो सब्र से काम ले। आप दूर ना जाइए, आपका कफील है आपको मारे गाली दे तो आप बेहतरी किसमें समझते हैं? सब्र में तो उससे लड़ने में बेहतरी समझते हैं, बेहतरी किसमें समझ रहे हैं भाई? सब्र में समझ रहे हैं ये, जबकि आपका कफील गलती कर सकता है कि नहीं, जुल्म कर सकता है आपके ऊपर, उसका काम गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला का कोई काम, अल्लाह के कोई बनाई हुई चीज गलत हो सकती है ना, तो हम उस पर सब्र क्यों नहीं करते? तो हमें क्या करना चाहिए? उवलन सब्र करना चाहिए कि हमें अगर सर्दी आ है, सर्दी लग रही है, तो अगर कुछ तकलीफ पहुंच रही है तो हम उस पर सब्र करें, और ये उम्मीद रखें कि ये हमें जो तकलीफ पहुंच रही है ये हमारे गुनाहों का कफारा भी बनेगी और जन्नत में हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब भी बनेगी। और एक सब्र ये भी है साथियों कि अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर जिस काम के करने का हमें हुक्म दिया है वो काम हम बजा लाएं और हम सब्र करें। मिसाल के तौर पर हमें और आपको नमाज पढ़ने का हुक्म है कि नहीं है? खासतौर पर फजर के लिए उठना क्या होता है? लिहाफ से है कि नहीं फेंक करके अपने वजू करना और मस्जिद तरफ आना भारी पड़ता है, नहीं निकलने जी कहता है कि नहीं? लेकिन इंसान सब्र करे, उठे, वजू करे और मस्जिद तरफ आए। अगर यह नहीं किया तो उसने अल्लाह तबारक व ताला की इबादत का हक अदा नहीं किया। और यही सब्र है साथियों जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह वल असर के अंदर बयान फरमाया है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है जमाने की, किस बात पर कसम खाई अल्लाह ताला ने? इन्नल इंसान लफी, सारे के सारे इंसान धोखे और घाटे में है, पूरी इंसानियत खसारे में है, उसका नुकसान ही नुकसान है। मगर हां, जिसके अंदर चार चीजें पाई जाएंगी वो नुकसान में नहीं रहेगा। पहला वो शख्स जो ईमान ले आया, दूसरा और ईमान के साथ साथ क्या है, अमल सालिह किया, नेक अमल किया, नेक अमल किया। इल्ला الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, और यही नहीं कि अपने नेक बन गए दूसरे की परवाह नहीं, नहीं खुद भी नेक बना और दूसरों को भी नेक बनाने की कोशिश किया उसने, है कि नहीं? खुद भी जहन्नम से बचना चाहा और दूसरे को जहन्नम से बचाने की कोशिश किया। एक आदमी आपके सामने है और गड्ढे में गिर जाए तो आपको मोहब्बत आएगी, नहीं मोहब्बत आएगी? अपना नुकसान करके, अपना काम बंद करके उसे जाकर के निकालेंगे, नहीं निकालेंगे आप, है कि नहीं? लेकिन एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो जी, एक आदमी फिल्में देखने जा रहा है तो, एक आदमी गाना सुनते जा रहा है तो, हालांकि वो उससे बड़े गड्ढे में गिर रहा है, जहन्नम के गड्ढे में गिर रहा है, तो वो ज्यादा हकदार है कि हम उसे बचाने की कोशिश करें। तो वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, ये चीजें इल्म हासिल करना,
नेक अमल करना, लोगों को भली बात का हुक्म देना, यह सब्र चाहती है। बगैर सब्र के यह काम नहीं हो सकता है ना। आप सब्र ना करें तो यहां नहीं बैठ सकते हैं आप। जिन लोगों ने सब्र किया वो नहीं बैठे, सब्र के बगैर नहीं काम है। यहां भी सब, ये भी बैठना भी सब्र है, नमाज के लिए आना सब्र है, लोगों को भली बात बताएं अगर वो आपको उलट करके जवाब दे दें तो उसे बर्दाश्त करना ये भी सब्र है। तो वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र। तो पहली चीज साथियों क्या है, सब्र है। दूसरी चीज मुकम्मल तौर पर इंसान वजू करे। सर्दी के मौसम में बहुत से लोग वजू में कोताही करते हैं, कुछ लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। क्यों भाई, सुबह उठेंगे तो भी वजू करना होगा, अगर शायद वजू ना करना हो तो सीधे मस्जिद चले आए। और उससे बड़ी मुसीबत उस वक्त होती जब इंसान को गुस्ल की जरूरत पड़ जाए तो, है कि नहीं। चलो कहते हैं कि सुबह धूप होगी तो उठ करके नमाज पढ़ लेंगे। ये लोग नमाजी नहीं, बेनमाजी है ये लोग, वो नमाजी नहीं। अगर उसी वक्त आपका कफील बुलाए तो भाग करके जाएंगे नहीं जाएंगे। और अगर वो किसी काम के लिए शर्त लगाए तुम्हें गुस्ल करके आना है तो आप गुस्ल करेंगे नहीं करेंगे, तो अल्लाह के काम के लिए क्यों नहीं, अल्लाह के काम के लिए क्यों गुस्ल नहीं करते आप, अल्लाह के काम के लिए गुस्ल क्यों। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीजें इंसान को निजात देने वाली हैं, तीन चीजें इंसान को हलाक और बर्बाद कर देने वाली हैं, तीन चीज इंसान के गुनाहों का कफारा हैं, और तीन चीजें इंसान के दर्जात को बुलंद करने वाली हैं। चार, तीन चीजें इंसान को हलाक करने वाली हैं, तीन चीजें इंसान को निजात देने वाली हैं, तीन चीजें इंसान के गुनाहों का कफारा हैं, और तीन चीजें इंसान को के दर्जात को बुलंद करने वाली। सारी चीजें नहीं बताऊं, सिर्फ वो चीजें जो इंसान को के गुनाहों का कफारा हैं। उनमें पहली चीज आपने क्या बयान फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। और जाहिर बात सर्दी में इसकी बड़ी अहम जरूरत है, बड़ी अहम जरूरत है। एक नमाज पढ़ लिया है, अरे दूसरी नमाज के लिए अभी फिर जाना है कि नहीं। मगरिब पढ़ी है और फिर सर्दी में फिर ईशा को भी पढ़ना है। तो पहली चीज एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार है। और तीसरी चीज, सख्त सर्दी के बावजूद मुकम्मल तौर पर वजू करना है, पूरा का पूरा वजू करना है। और जमात के लिए, जमात से नमाज पढ़ने के लिए तीसरी चीज क्या है, चल करके जाना है। और देखें तीनों चीजें सर्दी में क्या हैं, मुश्किल है। एक नमाज का इंतजार दूसरे नमाज के लिए, है कि नहीं है। वैसे गर्मी है, यहां बाहर खड़े होकर लोग इंतजार करते रहते हैं गर्मी के मौसम में, दूर से आए चलो बाजार में फलांक लगे फलांक जगह बैठते हैं और जब नमाज का हो तो नमाज पढ़ करके चलेंगे हम, है ना भाई। हमारी मिसाल तो हमारे दूर जो बल्दियों से रहते हैं भाई, वहां पर जो भाई हमारे मजरा में रहते हैं, वो जो दूर रहते हैं वो क्या करते हैं, चलो भाई अब क्या करते हैं ना, अभी मगरिब पढ़ लिया है ना, थोड़ी देर यहां पर वक्त गुजारते हैं, फिर उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ करके। लेकिन अगर सर्दी का वक्त है तो मुश्किल होता ही नहीं होता। तो एक नमाज का इंतजार दूसरे नमाज के। और दूसरी चीज, सख्त सर्दी के बावजूद इंसान अच्छी तरीके से वजू करे, मुकम्मल तौर पर वजू करे। और तीसरी चीज, जमात के लिए अपने घर से निकलना, उस तरफ कदम बढ़ाना है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे मौके पर दूसरी चीज यह है कि इंसान जब वजू करे तो उस सवाब को देखे कि इस पर अल्लाह ताला हमें क्या सवाब देने वाला है। बल्कि एक हदीस में सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो काम ना बतलाऊं जो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दे, तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दे। सहाबा ने कहा, जरूर बताइए आप। तो उस वक्त भी आपने बताया था, इस बागुल वजूए अलल मकारे, परेशानी के बावजूद तकलीफ के बावजूद इंसान अच्छी तरीके से वजू करे। तो पहली चीज सर्दी के मौसम पे हमें क्या करना है, सब्र से। और दूसरी चीज क्या करनी है, वजू और तहारत वगैरह का अच्छी तरीके से एहतमाम। तीसरी चीज साथियों,
रोजा जिससे हो सके। सर्दी के मौसम में रोजा दिन कितना छोटा होता है, मौसम ठंडा है और दिन छोटा है, और गर्मी के मौसम में दिन भी बड़ा होता और मौसम भी 8 बजे 9 बजने से पहले पहले गला खुश हो जाता है। और सर्दी के मौसम में अगर इंसान एक गिलास भी पानी ना पिए सुबह से लेकर शाम तक, फिर उसका गुजारा हो जाएगा। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि अल गनीमतुल बारिदा अस्सौम फी शिता, ठंडी गनीमत आसानी से जो माल हासिल हो गया है उनमें क्या है, सर्दी के मौसम में रोजा रखना है, इसलिए कि कोई तकलीफ और परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। चौथी चीज तहज्जुद की नमाज है साथियों, ये नमाज बड़ी अहम है और आज हमसे बहुत से लोगों से जो 5 वक्त ये नमाज है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमारे यहां से बड़ा नमाजी कौन माना जाता है जो 5 वक्त नमाज वक्त पर पढ़ ले रहा है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो इंसान के ऊपर वाजिब है ही, उससे तो कोई चारा है ही नहीं। बहादुरियत यह है कि इंसान नवाफिल का कसरत से एहतमाम करे। इसलिए कि साथियों ये बताइए, आप किसी को सिर्फ दाल रोटी या सालन रोटी दे दें, यह कोई मेहमान नवाजी नहीं है, है कि नहीं? असल मेहमान नवाजी क्या है बताएं आप? भाई दाल भी है, सालन भी है, चटनी भी है, अचार भी है, उसके आगे पीछे मीठा भी है कि नहीं है? सलाद भी है बस, है कि नहीं? सही, यही मिसाल है भाई नहीं नमाज की। नमाज जो फर्द है वो तो है ही फर्द आपके ऊपर, आपका पेट खाने से दाल रोटी बल्कि सूखी रोटी से ही भर जाएगा आपका पेट, सूखे चावल से ही भर जाएगा आपका पेट, लेकिन उसी पर गुजारा करता है कोई इंसान? जी गुजारा करता है उस पर? तो फिर अल्लाह के बारे में जहां आखिरत में हमेशा है उसके बारे में क्यों आप लोग थोड़े पर गुजारा कर लेते हैं, उसी पर क्यों गुजारा है? 5 ही वक्त की नमाज पर कुछ नवाफिल का भी एहतमाम कीजिए। चाश्त की नमाज 2 रकात इंसान पढ़ ले, सूरज निकलने के बाद 15 मिनट के बाद से लेकर के जोहर का वक्त होने तक, कोई मुश्किल है 2 रकात नमाज पढ़ना साथियों? जी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। जो काम पे लोग जाते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। भाई अगर काम पर 7 बजे जाना है 8 बजे जाना है तो जाने से पहले तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? इल्ला कि किसी की अगर ऐसी ड्यूटी है तो जाहिर बात अल्लाह ताला उसकी नियत, असल चीज का नियत है, लेकिन आम तौर पर लोग अड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और तो तहज्जुद की नमाज क्या है, ये खास तौर पर सर्दी के मौसम में बड़ा अच्छा काम है। वजह उसकी क्यों? क्यों? इसलिए कि अव्वलन तो रात बड़ी लंबी होती है, अगर आदमी ईशा के घंटा 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी सोए तो यानी 10 बजे भी सोए इंसान, आजकल ईशा की नमाज क्या बजे हो रही है? 7 है कि नहीं? चलिए उसके बाद देखे 8 9 10 10 बजे सो जाए इंसान तो 11 12 1 2 3 4 4 बजे तक कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। कितना सोएगा आखिर इंसान, सोचें आप कितना सोएगा? चलिए भाई 10:30 बजे सो रहा है इंसान, 10:30 बजे सो रहा है तो 6 घंटे कब हो जाएंगे? 4:30। अगर 4:30 बजे उठ करके इस्तिंजा करे, वजू करके 5 बजे आजकल फजर की अज़ान हो रही है ना, पढ़ सकता है ना? पढ़ता है 2 रकात 4 रकात पढ़ सकता है ना, है कि नहीं? इसीलिए बहुत से सलफ ऐसे थे जो सर्दी को बहुत पसंद करते थे। क्यों? इसलिए कि दिन मुख्तसर होता है, रोजा रखने के लिए बेहतर है, चाहे जितना मेहनत करे इंसान प्यास नहीं लगने वाली, और रात लंबी होती है तहज्जुद पढ़ने के लिए आसान। तो कहने का मतलब कि हम सर्दी और गर्मी में बज़ाहिरी लिहाज से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकी चीजें क्या हमारे जो आखिरत में काम आने वाली हैं हम उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? खैर साथियों, इसी तरीके से एक और चीज है जिससे आम तौर पर गाफिल है, ये बताइए हम एक हर आदमी जो यहां पर मौजूद है, वो जाहिर बात है हिंदुस्तान में अपने कुछ लोगों को छोड़ करके आया है कि नहीं छोड़ करके आया है, है कि नहीं? अपनी बीवी को, अपने बच्चों को,
अपने वालिदैन को छोड़कर के आया कि नहीं छोड़कर गया है, अपने छोटे छोटे भाइयों को बहनों को छोड़कर आया कि नहीं आया है, यानी जिसके कफालत वो कर रहा है, वरना अगर सिर्फ अपने पेट भरना होता तो यहां की जरूरत ही क्या थी, रोटी तो वहां भी इंसान कमा सकता है कि नहीं, आमतौर बच्चों ही के लिए निकलता है ना। ये बताइए, सर्दी का मौसम आने से पहले पहले बच्चों के गर्म कपड़े, बहनों के भाइयों के गर्म कपड़े, वालिदैन के गर्म कपड़े के बारे में इंसान सोच रहा है नहीं सोच रहा? जी सोच रहा है ना, अच्छी चीज है, सोचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नीयत सही, अल्लाह ताला इस पर आपको सवाब और अजर देगा। लेकिन इससे और बेहतर एक चीज है, यहां आमतौर पर अल्लाह ताला ने अमूमी तौर पर लोगों को उसाहत दी है। क्या ये कभी सोचा कि हमारे पड़ोस में कुछ गरीब लोग भी रहते होंगे? आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि नहीं है कि सर्दी के लिए उन्हें लिहाफ की जरूरत है, सर्दी के लिए उन्हें स्वेटर की जरूरत है, सर्दी के लिए उन्हें कपड़े की जरूरत है बात सही कि नहीं सही? अगर ये चीज आप एहतमाम कर ले तो बड़े सवाब का काम। बल्कि आप ये सोचें, एक मिसाल मैं देता हूं, आप यहां पर हैं, आपका कोई दोस्त है, पड़ोसी है, गांव वाला है, आपके बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है, रोजाना आके पूछ जाता है कुछ चाहिए तो नहीं, आप पैसा भेजने में देर किए तो चलो भाई कोई बात नहीं, जब आएगा पैसा तब हमें दे देना, आपका इंतजाम कर दिया, सर्दी के मौसम है जा रहे हैं कि बच्चों को स्वेटर वगैरह नहीं चाहिए, है कि नहीं है? अब ऐसे शख्स के बारे में आप क्या समझेंगे, उसकी मोहब्बत आपके दिल में होगी कि नहीं होगी? हालांकि आपको कुछ नहीं कर रहा, आपके बच्चों के साथ कर रहा है। तो यही आप अगर अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह की अयाल के साथ, सारी दुनिया अल्लाह की मखलूक है, ये सारी मखलूक क्या है, अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह के अयाल में है, अगर आप उनके साथ खैर करते हैं तो अल्लाह कितना महबूब हो। साथियों अभी अभी टेलीफोन करके हमने पूछा, अभी टेलीफोन करके, ये जुल्फी आप लोगों ने देखा है ना, जुल्फी से शिमाल की तरफ एक रास्ता जाता है अलका के लिए, छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, और जानते हैं अब तो हालात बदलते जा रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले हमारे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोग जिनकी तनख्वाहें कम हैं वो अपने लिए सवारी खरीदते नहीं थे, साइकिल नहीं लेते थे, कैसे आते जाते थे नईम पुराने लगात, कैसे आते जाते थे, रोड पर खड़े हुए इशारा किया सऊदी है कि नहीं, पैसा मांगता था आपसे नहीं, ये अब तो लोग जरा सा वो भी कुछ ज्यादा और हम भी थोड़े से है बस सही कि नहीं सही, लेकिन आज से 10 साल पहले क्या करते, यही तो करते थे ना, सवारी मिल जाती थी। ऐसे ही जुल्फी शहर से एक शख्स निकला उस रास्ते पे जाने के लिए, तो क्या देखता है कि एक इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, कोई लड़का खड़ा हुआ है, सर्दी से बैठा और गाड़ी पर बैठा लिया। जब उसके मजरे के पास रुका उतारने के लिए तो उससे मजाक में कहता है पैसा नहीं दोगे? अब बेचारा उसके पास कुछ भी नहीं था, एक रियाल भी नहीं था उसके पास, कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं। कहा कि नहीं ये कोई बात हुई, मैं तुम्हें लेकर क्या पैसा नहीं दोगे? कहता है मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जब वो जिद करने लगा, बजिद हो गया वो, तो उसने क्या कहा कि देखिए मेरे पास ये जो स्वेटर है इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं, ये ले लीजिए आप जाइए, अब आप नहीं छोड़ेंगे हमें तो कोई बात नहीं। उसने क्या किया, सऊदी ने हंसा और कहा कि ये अपना स्वेटर लो, और अपने जेब से 500 रियाल निकाला और उसके जेब में डाल दिया। साथियों उसी रात उसकी वालदा ख्वाब देखती है, इंतकाल हो गया था, वालदा का इंतकाल हो गया था, उसकी बहन बुरैदा में रहती है, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखती है कि मेरा बेटा मुझे कुछ पहना रहा है। क्या ख्वाब देखती है? कि मेरा बेटा मुझे कुछ पहना रहा है। ख्वाब किसने देखा था? उस लड़के की बहन ने देखा जो बुरैदा में रहती थी। सुबह को फौरन से टेलीफोन करती है कि भाई तुमने कुछ आज नेकी काम किया तो नहीं है, कहीं कुछ सदका और खैरा किया तो नहीं, कुछ किया तो नहीं तुमने? कहा कि तुम्हें कैसे मालूम?
किसी को यह मालूम नहीं, मुझे मुझे मालूम है या तो उस आमिल को मालूम है, तीसरे किसी को नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम हो? कहा कि आज रात हमने तुम्हारी वालदा को ख्वाब में देखा, उसे हमने ख्वाब में देखा और उसने ये किया है। कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरे बेटे ने मेरी तरफ से कुछ सदका जरूर किया है। साथियों देखें, ये उसकी वालदा को जो अज्र मिल रहा है, तो आपको कितना बड़ा अज्र मिलेगा सोचें, जो आप कर रहे हैं, आपको कितना बड़ा अज्र मिलने वाला है। तो यह सर्दी के मौसम में हर आदमी सोचे, पड़ोस में उसके कुछ गरीब लोग होंगे, बेवा औरतें होंगी, यतीम बच्चे होंगे, कर्ज ही लेकर के क्यों ना हो, जैसे अपने बच्चों के लिए भेजा है, उसे क्यों नहीं भेजते? सर्दी के मौसम में आखिर आपको सर्दी लगती है, आपके बच्चों को, उनको सर्दी नहीं लगती कि उनको भी लगती है? सर्दी लगती है ना। आज दुनिया में कितने मुसलमान हैं जो सर्दी से परेशान हैं, वो किसके लिए? क्रिश्चियन उनकी मदद करें, हिंदू उनकी मदद करें, यहूदी उनकी मदद करें, अगर हमने नहीं किया तो कौन करेगा? सोचने की बात है। इसी तरीके से साथियों, खैर बातें बहुत हैं, मैं दूसरी तरफ ये चीजें नहीं छेड़ने वाला था। तीसरी बल्कि छठी बात हमें क्या करना है, यह है कि साथियों, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये सख्त सर्दी और सख्त गर्मी किसकी वजह से आती है? जहन्नम के दो सांस की वजह से है ना। तो कभी हमने जहन्नम को याद किया सख्त सर्दी के मौसम पे? साथियों, ये मेरा मुअज्जिन बूढ़ा जो बैठा है, ये बैठता है, ये जानते हैं ना, ये अंगूठा छाप है, अलिफ का नाम लाठी जानता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसे नेक बनाया है, इसे नेक बनाया, वरना इस उम्र में 90 साल के करीब हो रहा है उम्र है इसकी, इससे कम नहीं है। लेकिन अजान पाबंदी के साथ, पांच वक्त की अजान देखिए, पाबंदी के साथ, और अब बगैर पैसे के दे रहा है, तनख्वाह भी नहीं ले रहा है, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया उसने, कहा मैं कभी बीमार होता हूं तो बगैर पैसे के। जब सख्त सर्द हवा चलती है तो आप जानते हैं कि मैं उसके बगल में बैठता हूं, तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को याद करता है, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगता है कि हाँ जहन्नम की ये सर्दी, अगर यहां की सर्दी हमसे बर्दाश्त नहीं है तो जहन्नम की सर्दी कैसे बर्दाश्त होगी? इसलिए जहन्नम में अल्लाह तबरकला दोनों किस्म का आजाब देगा, सख्त गर्मी और जलने का भी आजाब देगा, और सख्त सर्दी ऐसे कि हड्डियां इंसान की टूट जाएंगी, ऐसा भी आजाब देने वाला है। तो ऐसे सर्दी के मौसम में जहां हमें सर्दी लगे तो हम जहन्नम क्यों नहीं याद करते, अल्लाह ताला से जहन्नम की पनाह क्यों नहीं? अल्लाह ताला में जहन्नम से पनाह दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तीन बार दिन में जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह चाहता है तो जहन्नम उससे कहती कि ऐ अल्लाह ताला तेरा बंदा तेरी पनाह मुझसे तेरी पनाह में आना चाहता है, ऐ अल्लाह तबारक व ताला तू उसे पनाह दे। यह तो साथियों पहली बात हुई कि सर्दी के मौसम में हमें हमारे लिए खैर के पहलू क्या हैं, यानी हम कैसे अज्र और सवाब इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए सर्दी से मुतालिक कुछ मसाइल हैं। पहला मसला साथियों क्या है, तहारत का है। जानते हैं तहारत के बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं, तहारत के बगैर हम कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, बल्कि अगर नापाकी की हालत में हमारा इंतकाल हो जाए तो यह भी हमारे लिए और खतरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के लोग हैं, तीन किस्म की लोग कि उनके पास अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। एक काफिर की लाश है, दूसरे जुर्मी इंसान है जो बिला वजह हालत जनाबत में और गुस्ल नहीं करता, और तीसरा वो मर्द है जो औरतों जैसे कपड़े या औरतों जैसे खुशबू इस्तेमाल किए। बहुत से लोग हैं शादी के मौके पर मेहंदी वगैरह लगाते हैं, लगाते हैं है? लगाते हैं ना, ये चीज जायज नहीं है औरतें बनने के शौक। और अब तो बहुत से लोगों को शौक ये हो गया कि सोने की जंजीर भी पहनते हैं, और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ गए, मुसलमान ही हैं, देखेंगे अपने कान में भी औरतों की तरह कुछ पहने हुए है कि नहीं है, बस है कि नहीं, सही है। ये सारे के सारे लोग मुजरिम हैं ये लोग अल्लाह ताला की नजर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तीन किस्म के ऐसे लोग हैं कि रहमत के फरिश्ते उनके पास नहीं जाते, काफिर की लाश, जुनूबी, और तीसरा औरतों की तरह खुशबू इस्तेमाल करने वाला
انسان. تو وضو اور طہارت یہ بڑی بہترین عبادت ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ طائف کا وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ بڑا سرد ہے, بڑی ٹھنڈک رہتی ہے, کاش کہ آپ ہمیں وضو سے معاف رکھیں. آپ نے کہا کہ نہیں, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے نماز نہیں ہے. تو انسان کو پہلی چیز یہ ہے, کیا کہنا چاہیے کہ انسان کو طہارت اور اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے کچھ لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن وضو ٹھنڈک کی وجہ سے اتنا جلدی جلدی کرتے ہیں کہ بسا اوقات خطرہ رہتا ہے کہ ان کا جسم کا حصہ سوکھا رہ گیا ہے. اور کچھ لوگ نیچے سے چونکہ گرم کپڑا پہنتے ہیں اپنی آستین سمیٹتے ہیں تو کیا ہے وہ پوری اٹھتی نہیں ہے, ہے کہ نہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا بھی آ گیا کسی طریقے سے تو کیا, وضو کرتے ہیں اور کیہونی وغیرہ کا حصہ کیا ہے یہ خشک رہ جاتا ہے. ایسے بھی انسان کا وضو نہیں ہوا ہے, ضروری ہے کہ ایسا کپڑا پہنے یا ایسا کوئی کپڑا ہے تو اس کو اتار کر کے وہ وضو کرے. کچھ لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن ان کا وضو اس قدر جلدی جلدی ہوا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ سب سے بہتر عمل کیا, اسباغ الوضو, وضو کو اچھی طریقے سے کرنا, یعنی ہر جسم کو, جسم کے ان اعضاء کو جو وضو میں دھونے, انہیں رگڑ رگڑ کر کے دھونا, انہیں رگڑ رگڑ کر کے دھویا جائے. تو یہ سارے لوگ وضو کے بارے میں کوتاہی جو ہوتی اس کے اندر, لیکن یہ بات سوچنا چاہیے اگر پانی ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے تو انسان صبر کرے اور اس ثواب کو مد نظر رکھے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو اچھی طرح سے وضو کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کے اندر بند ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کو گرم کرنے کا انتظام کرے. آج میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو لیے یہ عذر ہو سکتا ہے, اور اگر انسان وضو نہیں کرتا, غسل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے تیمم کا دروازہ کھولا ہے. تیمم کتنا آسان ہے, بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی, حالانکہ نمازی ہیں وہ نہیں پڑھی. خاص طور پر جو لوگ جلدی کام پہ جاتے ہیں یا مزروں وغیرہ میں کام کرتے ہیں, کیوں نہیں پڑھی بھائی, ہمیں غسل کی حاجت ہو گئی, ہمیں نہانے کی ضرورت ہے. کیوں, اللہ نے اس کا حل نہیں بتایا, اس کا حل ہے بتایا, آپ وضو کیجئے, غسل کیجئے. آپ غسل نہیں کرتے صرف وضو پر اکتفا کیجئے, آپ وضو اور غسل نہیں کرتے آپ تیمم کیجئے, لیکن نماز سے کسی بھی حالت میں آپ کو چھٹکارا نہیں. اور تیمم کس قدر آسان ہے, کتنا آسان ہے, صرف آپ ایسے ہاتھ ماریں بس ایسے, اور ایسے کر کے, یا پہلے چہرے کو اور پھر ختم. کوئی مشکل ہے تیمم, مٹی ہے مٹی سے تیمم کیجئے, مٹی نہیں ہے پتھر ہے ساتھیو, کنکڑیلی زمین ہے اس پر اسے تیمم کیجئے. کسی انسان کے لیے اس زمانے میں یہ عذر نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا, یہ عذر نہیں ہے, جھوٹا ہے, دھوکے باز ہے وہ. اس لیے تیمم انسان کم کرتا ہے اگر پانی نہیں ہے تو, اگر پانی ہے لیکن پانی حاصل کرنے کی قدرت نہیں ہے اس کے پاس, یا پانی بھی ہے, پانی استعمال کر سکتا ہے لیکن پانی ہمیں نقصان دے رہا ہے, ان تمام صورتوں میں کیا انسان تیمم سے کام لے, لیکن نماز, قرآن مجید کی تلاوت اور یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ نہ چھوڑے. دوسری چیز جس کی بڑی ضرورت پڑ سکتی ہے, موزے پر مسح. اس سلسلے میں لوگوں سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے, لہذا اسے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. سردی میں عام طور پر لوگ موزہ پہنتے ہیں, جو گرمی میں نہیں پہنتا رہا ہے وہ بھی سردی میں موزہ پہنتا ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ انسان موزہ نہ نکالے اپنا اور موزے پر مسح کرے. موزے پر مسح کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے ساتھیو, اور بدعتی لوگوں کی علامت ہے کہ موزے پر مسح نہیں کرتے. نہ سنیں گے آپ, میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا. اسی لیے اہل سنت و جماعت نے جتنی کتابیں لکھی ہیں عقیدے کے اوپر,
उसमें देखेंगे कि हां हम मोदे पर मसाह करने को हक मानते हैं। इमाम अहमद हम्बल रहमुल्लाह बयान करते हैं कि 40 सहाबा ने मोजों पर मसाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। इसीलिए अगर इंसान मोजा पहने हुए है, अभी आगे आता है मोजे पर मसाह के लिए शरायत क्या है, मोजा पहने हुए है तो उस पर मसाह करना ज्यादा बेहतर है निकाल करके पैर धोलने से। कुछ लोग है ना कहते में कोई परेशानी नहीं है, आते हैं यहीं पर देखें, आप बता रहा हूं, मुझे बात खत्म होने से पहले इतराज ना करें आप, है ना, मेरी बात पूरी हो जाए तब कहेंगे, है कि नहीं। मोजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है कि इंसान मोजे पर मसाह करे, बात यह दलित कि हां अगर इंसान मोजा पहने हुए है, मोजा पहने है तो उसको उतारने से बेहतर है कि उसके ऊपर इंसान मसाह करे, और अगर मोजा नहीं पहने है तो मसाह करने के लिए पैर धोने से बचने के लिए मोजा ना पहने, है कि नहीं। मोजा नहीं पहनना चाहता लेकिन क्या है पैर धोलना पड़ेगा तो इसलिए मोजा पहन लिया। नियत का फर्क है, फर्क नहीं है दोनों में, फर्क समझें। अगर मोजा इंसान पहने हुए है, जरूरत है, सफर में है, सर्दी का मौसम है या और कोई चीजें, तो निकालने से अगर जो निकालने का मौका है, निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी बेहतर यह है कि इंसान मोजे पर मसाह करे। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोजे पर मसाह किया है। आप सल्लम ने चुनानचे बुखारी और मुस्लिम में है हते मुगिरा इब्ने शोबा की रवायत कि आप एक बार सफर से आ रहे थे, आपके वजू के लिए हमने पानी डाला और जब पैर धोने का वक्त आया तो हमने कहा लाइए मैं आपका मोजा निकाल लूं, आपने कहा नहीं इसे छोड़ दो, हमने इस मोजे को तहारत की हालत में यानी वजू करके पहना है, तो आपने मोजा निकलवाया नहीं। तो मोजे पर मसा इस सर्दी के मौसम में बड़ा अहम काम है, बहुत सी परेशानियों और मुश्किल से इंसान के लिए। कुछ लोगों को अजीब मैं देखता हूं, यहां वजू करेंगे, जूता पहने मोजा पहने हुए हैं, जूता निकाले मोजा निकाले और वजू किया और फिर दोनों को हाथ मिले करके नंगे पैर यहां तक मस्जिद तक आ रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा होता ही नहीं होता, आप लोग देख क्यों आखिर ये तकल्लुफ ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या पेश आई है, वजह क्या है, मोजा नापाक है आपका, मोजे में गंदगी लगी हुई है तो ठीक है वरना क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात आपसे बता दूं कि जैसे अभी एक साहब बहुत जल्दी एतराज करने लगे, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आम तौर पर साबित है वो ये है कि आपने चमड़े के मोजे पर मसाह किया है, चमड़े के मोजे पर मसाह किया है और आम तौर पर यही चीज राइज थी। लेकिन साथियों मोजा मोजा है, चाहे चमड़े का है, नायलन का है, कपड़े का है, प्लास्टिक का है, जिस चीज का भी है, अगर लुगत में और उर्फ में उसे मोजा कहा जाता है तो उस पर मोजे पर मसाह करना सुन्नत है। वो कैसे, अव्वलन तो सुनन अबू दाऊद में, मुसनद अहमद में, सुनन तिर्मिजी में, सुनन माजा में हजरत मुगीरा इब्ने शोबा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरब पर मसाह किया। जौरब किसको कहते हैं, आज शुर्राब नहीं कहते, जौरब, जौरब कहते हैं कपड़े के मोजे को, किसको कहते हैं कपड़े के मोजे को। हजरत सौबान रदी की रवायत सुनन अबू दाऊद में है, हजरत मुसनद अहमद में है, वो बयान करते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी के मौसम में हमें कहां भेजा, बाहर भेजा फौज लेकर के, हमें बड़ी सर्दी लगी, जब हम वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि तुम्हें तसाखीन पर मसाह कर लेना चाहिए था, तसाखीन, और तसाखीन चमड़े के मोजे को नहीं, उसे चमड़े के मोजे को खुफ कहते हैं अरबी में, और तसाखीन कपड़े का मोजा जो हुआ करता है, एक चीज। दूसरी चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सहाबे किराम का अमल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने औफ़, बल्कि 13 सहाबे कराम कराम इमाम इब्नुल मुंज़िर ने नकल किया है कि ये लोग चमड़े कपड़े के मोजे पर मसाह किया करते थे। लिहाजा ये कहना कि नहीं मोजा सिर्फ चमड़े, मसाह सिर्फ चमड़े के मोजे पर है, ये बात गलत है, कतान गलत है। अगर मोजा है, सहाबे कराम का इस पर अमल है, चाहे चमड़े का मोजा है
या कपड़े का मोजा है, नायलन का मोजा है, कोई भी मोजा है, अगर वो मोजे का काम दे रहा है, यानी पैर की हिफाजत है, सर्दी से बचाव है, या कोई मकसद जिसके लिए मोजा पहना जो पहना हुआ है, जीनत ही के लिए क्यों नहीं है? जीनत की वजह शरीयत ने दिया जीनत इंसान इख्तियार करे, जीनत के लिए वो काम दे रहा है तो उसके ऊपर मसह करना बिला शुबहा जायज होगा, बिला शुबहा जायज होगा। लेकिन चंद बातें, पहली बात यह है कि मोजे पर मसह के लिए शर्त क्या है, उसको जान लेना चाहिए। पहली शर्त यह है साथियों कि इंसान जब मोजा पहना है तो पूरे तहारत पर पहना है, यानी मुकम्मल वजू के बाद पहना है। अगर वजू किए बगैर मोजा पहन लिया है तो उस पर मसा करना जायज नहीं होगा। पहली शर्त क्या है कि मोजा जब पहना है तो मुकम्मल वजू था, यह नहीं कि एक पैर धूला मोजा पहन लिया फिर दूसरा पैर धुला, दोनों पैर साथ होना चाहिए। इसलिए कि आप सरसम ने इरशाद फरमाया, सही सुना ये बुखारी की रवायत है, बुखारी और मुस्लिम कहते मुगीरे इब्न शोबा की, कि हमने इन दोनों को इस हाल में पहना था कि मेरे दोनों पैर ताहिर और पाक थे। तो पहली चीज क्या है साथियों कि वजू के बाद पहना गया। दूसरी शर्त यह है कि मोजे पाक हो नापाक ना हो, खा वो नापाकी इसलिए हो कि नापाक जिल्द का बना हुआ है, या ये नापाकी ये हो कि उसके ऊपर नापाकी लग गई है, पेशाब है और कोई चीज नापाकी लग गई है तो उस पर मसा करना जायज नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि वो पैर के जिस हिस्से को वजू में धोया जाता है उस हिस्से को ढपे हुए हो उमूमी तौर पर, यानी यह कह लीजिए गोया टखने से ऊपर होना चाहिए उसे, टखने से, अगर टखने से नीचे है तो वो जूते के हुक्म में है, वो मोजे के हुक्म में नहीं है। टखने से नीचे है तो क्या वो जूते के मोजे के हुक्म में नहीं है। तो तीसरी शर्त क्या है कि आदाए वजू में पैर को जितना धोया जाता है उसको वो छुपाए हो। और चौथी शर्त ये है कि जितनी मुद्दत में शरीयत ने जो मुद्दत मुतय्यन की है उसी मुद्दत में किया जाए, उससे आगे ना किया जाए। यानी मिसाल के तौर पर मुकीम है जो ठहरा हुआ है वो 24 घंटे मसा कर सकता है, और जो सफर में है वो 3 दिन 3 रात मसा कर सकता है। 24 घंटे से ज्यादा अगर कोई मसा करता है तो उसका मसा करना जायज नहीं होगा। आई बात सुनिए ना, 24 घंटे ज्यादा मसा करना जायज। इस तरह के सफर में है अगर वो 3 दिन से 3 रात 3 ज्यादा हो गया तो उस पर मसा करना जायज नहीं होगा। और एक और शर्त है, वो ये है कि मसा उसी सूरत में किया जाएगा जिस सूरत में वजू किया जाता है। अगर गुस्ल करना है तो मसा करना जायज नहीं होगा। इस नुक्ते को समझेंगे, जिन सूरत में क्या है वजू किया जाता है, यानी पेशाब किया इंसान, हवा खारिज हो गई, पैखाने के लिए गया, नींद आ गई, ये सारी चीजें क्या हैं, वजू टूट जाता है ना, वजू टूट जाता है, तो इन हालतों में इंसान अपने दोबारा वजू करे तो मोजे पर मसा करेगा। लेकिन अगर गुस्ल की जरूरत है तो दोबारा मोजे को निकालना पड़ेगा। उसको मैं इस तरह समझाऊं, एक आदमी है सख्त सर्दी के मौसम में उसे गुस्ल की हाजत पड़ गई और मोजा पहन करके सो रहा था वो, अब उसके पास पानी गर्म करने का इंतजाम नहीं है, वो वजू तो कर सकता है लेकिन नहा नहीं सकता, तो नहाने के लिए क्या करेगा, वो तैमूम करेगा, लेकिन वजू उसे करना पड़ेगा ना। तो अब कोई सोचे कि हां भाई नहाना तो हमको नहीं है लिहाजा हम मोजा ना निकालें, नहीं, समझ रहे हैं ना, नहीं समझे। एक आदमी है
वो रात में सोया, मोजा पहन करके सोया और उसे गुस्ल करने की जरूरत पेश आ गई, गुस्ल की जरूरत पेश आ गई, लेकिन ऐसी जगह पर है जहां गर्म पानी उसे मौजूद नहीं है नहाने के लिए, सख्त सर्दी का मौसम है, खतरा है कि अगर नहा लिया तो उसका बीमार हो जाएगा, तो इस सूरत में क्या करेगा, वो तैमूम करेगा ना, लेकिन वजू तो कर सकता ही नहीं कर सकता है, वजू कर सकता है ना, तो अब उसने तयम्मुम किया नहाने के लिए, अब वजू करना शुरू किया तो सोचे कि मोजा तो पहना है हमने, अभी 24 घंटे में मोजे मसा कर लें तो जायज होगा नहीं, क्यों, इसलिए कि इसको वजू की जरूरत है, अब मोजे को निकाल देना है, अब मोजे को निकाल देना है, तो कहने का मतलब यह है कि मोजे के लिए एक शर्त यह भी है कि मोजा वजू में किया जाए, नहाने की हालत में नहीं किया जाए। अच्छा, एक बात अभी हमने कहा कि मुकीम आदमी एक दिन एक रात मसह करेगा मोजे पर और मुसाफिर तीन दिन तीन रात, लेकिन सवाल यह है कि मसह कब से माना जाएगा, 24 घंटा कब से माना गया, कुछ लोग कहते हैं भाई पांच नमाजें पढ़े, आया जिस वक्त मोजा पहना है उस वक्त से 24 घंटा माना जाए, या जब उसका वजू टूटा है उस वक्त से माना जाए, या कब से माना जाए, कब से माना जाए, पहली बार वजू टूटने के बाद जब मसह कर रहा है तो उस वक्त से 24 घंटा माना जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने जोहर के लिए वजू किया और मोजा पहन लिया, पूरा वजू किया और मोजा पहन लिया, असर के लिए उसका वजू नहीं टूटा, असर की नमाज पढ़ी उसने, मगरिब के लिए उसका वजू टूटा है या असर के फौरन बाद ही उसका वजू टूट गया, लेकिन उसने वजू नहीं किया, मगरिब के लिए वजू कर रहा है और मोजे पर मसा कर रहा है 5 बजे, तो अब कल 5 बजे तक वो मसह कर सकता है, हालांकि पहना कब है, 11-12 ही बजे पहना है ना, लेकिन कब तक मसह करेगा, गोया पहली बार जब मसह किया था तो उस वक्त से 24 घंटे की मुद्दत या 3 दिन 3 रात की मुद्दत शुमार होगी। अच्छा, एक चीज ये है, बहुत से लोग अगर मोजा फटा हुआ है तो क्या किया जाए, उस पर मसा जायज होगा कि जायज नहीं होगा, कुछ लोग उसमें अजीब शर्त लगाते हैं, कहते हैं भाई एक उंगली के बराबर नहीं या 3 उंगली के बराबर नहीं, ऐसी कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान नहीं फरमाई है। साहब इकराम बिल्कुल गरीब लोग थे, फकीर और मोहताज लोग थे, बसा औकात चप्पल जूते नहीं मिलते थे, इन्हीं चमड़े के जो मोजा इसी पर चला करते थे, तो उसका फाटना लाजमी था, लेकिन किसी भी सही हदीस में, ज़ईफ हदीस में, किसी सहाबी के कौल में यह नहीं है कि मोजा फटा हो तो उसके ऊपर मसा नहीं, बल्कि हम यह कहते हैं कि जो मोजा मोजे का काम दे रहा है, जो मोजा मोजे का काम दे रहा है, बिल्कुल नहीं फटा है, 1 उंगली के बराबर फटा है, 2 उंगली के, 3 उंगली, 4 उंगली के बराबर नीचे फटा हुआ, लेकिन ऊपर से क्या है, मोजे का काम दे रहा है, तो उसके ऊपर मसह किया जा सकता है, उस पर मसह किया जा सकता है। और मसह से मुतालिक एक और चीज सामने रखे हैं कि अगर इंसान बसा औकात सख्त सर्दी के मौसम में डबल मोजा पहनता है, वो पहनता है ना, अबू याकूब पहनते कि नहीं पहनते, कभी कभार लोग पहनते हैं ना, भाई मैं भी कभी पहनता हूं डबल मोजे, तो उस पर मसा करने का तरीका क्या होगा, पहले पर होगा कि दूसरे पर। साथियों, ये मसाइल हैं, जानना चाहिए, आमतौर पर लोगों को पेश आते हैं कि नहीं, ऐसा होता है ना, एक मोजा पहना देखा फटा हुआ या बहुत पतला है, उसे पांव में सर्दी लग रही है, दूसरा मोजा उठाकर ऊपर से पहन लिया, ऐसा होता है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। तो अब अगर मसा करना है तो किस पर मसा करेंगे, पहले पर कि दूसरे पर, हाँ दूसरे पर निकालेंगे दूसरे को, हाँ। साथियों, अगर उसको इस तरह समझिए, अगर दोनों मोजे एक साथ पहना है वजू करके, तब तो कोई इश्काल नहीं है, पहले ही पर मसा, ऊपर वाले पर मसा करेंगे, नीचे वाले पर मसा नहीं करना है। लेकिन अगर दूसरा मोजा उस वक्त पहना कि उसका वजू टूट गया था,
पहले एक मोजा पहना, फिर वधू टूट गया, दोबारा दूसरा मोजा पहन लिया, तो अब ऊपर वाले मोजे पर मसह जायज। क्यों? इसलिए कि आपने इसको पहना, आप वधू से नहीं थे। अब पहले ही मोजे पर मसह, यानी जो पहले पहना उसी पर, दूसरे पर नहीं, उस पर मसह करना होगा, है कि नहीं? अच्छा, आपने मोजा पहना, पहले मोजे पर मसह किया और उसको आपने निकाल दिया, सिर्फ एक मोजा, गर्मी लगने लगी, आपने निकाल दिया, सिर्फ एक मोजा रह गया, तो अब हम क्या करेंगे? उसको मसा करेंगे? नहीं, उसको मसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आपने शुरू जो किया है, पहले मोजे के ऊपर मसा शुरू किया। खैर साथियों, ये कई किस्म की बातें हैं जो मोजे से मुतालिक और भी चीजें हैं, लेकिन हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई शुबहा हो तो कर सकता है। मोजे पर मसा का तरीका यह है कि इंसान ऊपर से अपना पानी को तर करे और ऐसे की उंगलियों से शुरू करे, है ना, ऐसे ले जी, ऐसे तर रहना चाहिए, खुली है बंद है उसके लिए कुछ नहीं है। देखिए ऊपर से लिया, नीचे जो, कुछ लोग ऊपर नीचे दोनों करते हैं, सुन्नत के खिलाफ है। हजरत अली ने बयान फरमाया कि अगर दीन का मामला अकल पर होता तो नीचे मोजा मजाक जैसे गंदगी नीचे लिखने का है, ऊपर से नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल को हमने देखा है कि आप मोजे के ऊपरी हिस्से पर मसा किया करते थे। देखिए एक चीज की और जरूरत पेश आती है, खासतौर पर यहां सऊदीया वगैरह में हमारे बाद लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, उसको भी जरा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहां पर जो है आमतौर पर बारिश सर्दी के मौसम में होती है, और हमारे यहां बारिश गर्मी में, इसलिए बहुत से मसाइल को हमारे यहां के लोग, मैं भी जब पढ़ता, समझ में नहीं आती थी। यहां आमतौर पर बारिश कब होती है? सर्दी के मौसम, नहीं गर्मी में कहां होती है। यहां गर्मी में तो निकलते निकलते शुरू होते, जैसे हमारे यहां सर्दी में कभी कभार बारिश हो जाती है कि नहीं? लेकिन असल यह है कि यहां बारिश किसमें होती है? सर्दी में। तो बसा औकात इंसान के लिए जरूरत पेश आती है नमाज के बारे में। अब अगर ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि इंसान के लिए मस्जिद की तरफ आना मुश्किल है। हमारे यहां भी यह चीज पेश आता, बताओ औकात हफ्ते हफ्ते सूरज दिखाई नहीं देता, पर साल देखे होंगे कितने लोग सर्दी की वजह से मर गए। ऐसी सर्दी अगर है, ठंडक इंसान के जिस्म को कपा देती है, लोगों के लिए मुश्किल है, तो ऐसे मौके पर इंसान के लिए जमात छोड़ना जायज है। अपने घर में नमाज पढ़ ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर ऐलान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन को यह हुक्म दिया कि क्या करे, ऐ लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ लो, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। लेकिन यह जायज है, बेहतर इंसान क्या है, मस्जिद तरफ आए। लेकिन अगर बराबर ही बारिश चल रही है जैसे बसा औकात यहां पर होता है, और खास तौर पर जो बूढ़े और कमजोर किस्म के लोग हैं या जिनको एलर्जी है, ठंडी हवा नहीं बर्दाश्त कर सकते, जिस्म उनका कमजोर है, अगरचे जवान है, जिस उनका नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे लोगों के लिए मस्जिद में आने से परेशानी है, तो ऐसे मौके पर दो वक्त की नमाज को जमा करके पढ़ा जा सकता है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रवायत है, सही मुस्लिम शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात और 8 रकात एक साथ पढ़ी। वो कैसे होगा? 8 रकात एक साथ पढ़ी, 7 रकात एक साथ पढ़ी, वो कैसे? 8 रकात ज़ुहर और असर पढ़ी, 7 रकात मगरिब और ईशा पढ़ी। रावी ने कहा ऐसा क्यों? कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह सख्त बारिश के मौसम में था, और जानते हैं बसा औकात ठंडी हवा जो खुसर हमारे यहां बाद इलाकों में चलती है, यूपी के बाद इलाकों में, पहाड़ी जो इलाके हैं, वो हवा इतनी खतरनाक हुआ करती है सख्त सर्दी के मौसम में कि बारिश उतनी खतरनाक नहीं होती। लिहाजा ऐसे मौके पर इस्लाम की दी हुई इस रुख्सत से फायदा उठाया जा सकता है कि लोगों के लिए आना अगर मुश्किल है तो क्या करें, वो दो नमाजों को एक साथ जमा करके
پڑھ سکتے ہیں ظہر عصر کو اور مغرب اور عشاء کو. اس کا طریقہ ہوگا کہ اذان ایک ہوگی اور اقامت دو ہوگی, جیسے عرفہ اور مزدلفہ کے میدان میں ہوا کرتا. اس کا طریقہ یہ ہوگا, اذان ایک اور اقامت, لیکن سنت کب پڑھیں گے ظہر کی؟ پہلے تو پڑھنے میں کوئی مسئلہ, لیکن ظہر کے بعد کی سنت, ظہر کی بعد کی سنت عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھی جائے گی, اس لیے کہ جمع دونوں کے ہاں ایک ساتھ ہوں گے. ظہر کی جماعت ہوئی, پھر اٹھیں گے, اقامت ہوگی اور پھر عصر پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ظہر کی سنت. اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی سنت کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھیں گے. ابھی کل پرسوں سوال آیا کہ وتر کب پڑھا جائے. اب اگر عشاء کی نماز پہلے پڑھ لی گئی ہے مغرب کے وقت میں, تو وتر عشاء کے بعد ہے, عشاء کے تابع ہے, لہذا وتر بھی اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے, الگ سے اسے وقت سے ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں نماز سے متعلق. اب جلدی میں کچھ باتیں, سردی کی وجہ سے جو لوگ غلطی کرتے ہیں, آپ لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ نماز میں آتے ہیں اور ایسے بالکل باندھے ہوئے ہیں اپنے چہرے کو, بالکل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, اور نماز اسی حالت میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات غلط ہے, حدیث کے خلاف ہے. سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں سدل کرنے سے, یعنی سدل یہ بھی غلط, یہاں سے چادر لٹکایا ہے اور اسے لٹکی چھوڑ دیا ہے, دائیں بائیں نہیں کیا ہے. کچھ لوگ برانڈ کوٹ پہنیں گے نا اور ہاتھ اس میں نہیں ڈالیں گے, اپنے کندھے پر رکھا اور اسے لٹکائے چلے آ رہے, نہیں, اس میں آپ ہاتھ ڈالیے, یہ سدل ہے. اس سے ہی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ, اور اس سے ہی منع فرمایا کہ آدمی اپنے چہرے کو نماز میں ڈھکے. البتہ کسی کے سامنے مجبوری ہے, کسی کے سامنے مجبور سے الرجی زیادہ ہے, مسجد میں خوشبو ہے کہ نہیں, اسے چھینک آنا شروع ہو جائے گی, یا مسجد کھلی ہوئی ہے جیسے ہمارے یہاں بعض مسجدیں ہوا کرتی ہیں, یہاں کی طرح بند مسجد نہیں ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اگر اپنے ناک کو اور چہرے کو منہ کو نہ ڈھاکے تو اسے تکلیف کا, تو اسی حالت میں ڈال سکتا چہرے کو ڈھک سکتا, ورنہ چہرے کو ڈھکنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے چادر اوڑھیں گے نماز کے لیے, سردی میں آئیں گے اور بالکل اس طریقے سے لپٹے ہوئے ہیں کہ دونوں ہاتھ اس کے اندر بندھے رہتے ہیں, ہوتا ہے نا, اتنی سردی لگتی ہے کہ ہاتھ کو بھی نہیں, اب انہیں رفع الیدین بھی کرنا ہے تو ان کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا, ایسا بات غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا, صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے یہاں کی مسجدوں میں ایک اور غلطی ہوتی ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی, مسجد کے اندر ہیٹر مصلی کے نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں, نمازی کے آگے رکھتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مجوس کی مشابہت پائی جا رہی ہے. دائیں رکھیے, بائیں رکھیے, پیچھے رکھیے, اس لیے کہ مجوسی چونکہ آگ کی عبادت کرتے ہیں لہذا آگ اپنے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اپنی. وہ اس لیے علماء کہتے ہیں, امام تیمیہ اور دوسرے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہیٹر یہ بھی آگ کی ایک شکل ہے نا, لہذا ہمارے یہاں چراغ جو جلتا ہے وہ نمازی کے آگے لالتے نہیں رکھنا چاہیے, کیا دائیں اور بائیں یا پیچھے رکھے, کیوں؟ اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہوتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اور کچھ احتیاطی تدبیریں بھی کرنا چاہیے ساتھیوں. عام طور پر آپ سنیں گے سردی کے موسم میں ہمارے یہاں ہندوستان میں, پاکستان میں بھی اور یہاں سعودیہ میں بھی, کہ آگ لگ گئی اور لوگ مر گئے, لوگوں سوئے اور سب کے سارے سوئے ہی رہ گئے. ہوتا کیا ہے, جیسے انگیٹھی ہے جلا کر کے رکھا, آکسیجن کی کمی ہو جاتی, کمرہ پورا بند کر دیا, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, بسا اوقات پورا کا خاندان ایسے موت کا شکار ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت چراغ اور آگ کو بجھا دینے کا حکم دیا ہے, چراغ اور آگ کو بجھا دینے کا. ہیٹر چلانا ہے تو دروازے کو کھلا چھوڑا جائے, دروازے کو بند نہ کیا جائے, اس لیے کہ آپ سوئے, گرمی ہوئی, آکسیجن کی کمی ہوگی تو آپ ایسا بے ہوش ہو جائیں گے کہ آپ کو ہوش نہیں رہے گا, اور اسی حالت میں آپ کی جان بھی, ایسا بہت سے ہر سال سننے میں آتا ہے ساتھ. اور بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہیٹر
2000 वाट का लगा दिए और वायरिंग बसा औकात कमजोर रहा करती है, होता क्या है, घर में आग लग जाया करती, तार फट जाया करता है। तो इससे हमारे नबी सख्ती के साथ मना फरमाया है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम शरीफ में है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में एक घर में आग लग गई, सारे के सारे लोग जल गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, इन हाज़िही नार अदुव्वुन लकुम, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, सोने लगो तो उसको बुझा दिया करो, जलता हुआ न छोड़ो। बस होगा चूहा है, कोई भी चीज है, कोई कपड़ा लेके जा रही है, अगर आग है, चिराग है, तो उस पर से हीटर ही क्यों नहीं, उस पर जा सकता है ना, कपड़ा जा सकता है ना उसमें, और फिर उसके बाद घिसर करके आपको। तो यह नहीं कहना चाहिए कि हाँ हम तो हर साल हीटर से जलाते रहते हैं, मौत हमेशा नहीं आती है, खतरात हमेशा नहीं आते। ऐसे जो हादसा पेश आए हैं, इससे लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए। आग को चाहे जिस हालत में है, हीटर की शक्ल में है, चिराग की शक्ल में है, या आग की शक्ल में है तंदूर की, उसे जलते हुए छोड़ना ये शरीयत के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सख्ती के साथ मना किया है। और आखिरी बात 2-3 मिनट में, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मौके पर अधकार, जिक्र और अधकार का पहलू नहीं छोड़ा है, जिक्र और अधकार का पहलू नहीं छोड़ा है। इंसान को अल्लाह को हमेशा याद करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बदली दिखाई दी तो जानते हैं कि यही बारिश इंसान के लिए रहमत भी बन जाती है और जहमत भी बन जाया करती है। आप लोग देख ही रहे हैं, इस साल भी आप देख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, सऊदीया ही में नहीं, फिलिपीन में देखें, चाइना में देखें, और दूसरी जगहों में देखें ना, हमारे यहां बारिश के मौसम में देखें आप, हुआ कि नहीं हुआ, नीलांचल वगैरह में इस बार जो है देखें, पूर्वान क्या है, उत्तराखंड देखा होगा आपने। तो यही बारिश रहमत भी बनती है इंसान के लिए और क्या बनती है, जहमत भी बनती है। इसीलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदली को उठते हुए देखते थे, जब बदली को उठते हुए देखते थे तो आप जो काम करते बंद कर देते थे, बल्कि आप नमाज में भी होते तो नमाज के हालत में यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन शर्रिहा, ए अल्लाह ताला इस बदली में अगर कोई शर है तो उससे मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूं। तो इंसान को अल्लाह का जिक्र ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। और अगर बारिश हो जाती तो आप क्या कहते थे, सय्यबन नाफिया, अगर बारिश शुरू होती तो ए अल्लाह ताला ये बारिश तेज हो और बारिश हमारे लिए मुफीद हो, मुजिर और नुकसानदेह ना। इसी तरीके से सख्त हवा, तेज हवा आती, जानते यहां जहां आप लोग हैं गर्मी में उतनी तेज हवा नहीं चलती, सर्दी में जितना तेज हवा चलती है। गर्मी में हवा यहां आहिस्ता आहिस्ता चलती है और गर्द गुबार लेकर के चलती है, और ठंडी में हवा खास तौर पर अगर ठंडी में तेज हवा चलने लगी और शिमाल की तरफ से आए तो घर से निकलने का है कि नहीं। ऐसे मौके पर हवा चले तो उसके लिए आपने क्या जिक्र बताया, हमारे सही मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरिमा उरसिलत लहू व अऊजु बिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा उरसिलत लह, ऐ अल्लाह ताला ये हवा जो खैर लेकर के भेजी गई है उस खैर से, और जो शर लेकर भेजी गई है, जो खैर है उसका हम आपसे सवाल करते हैं और जो शर है उससे हम आपकी पनाह चाहते हैं। और आखिरी बात यह है साथियों कि बादल गरजे और बिजली चमके तो हमें क्या कहना चाहिए, गरजता ही नहीं, बहुत से लोग क्या है कान पकड़ करके, इससे काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह का आदाब आना होगा तो आप कान पकड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, है कि नहीं। ये तो वही है कि हिरन को शेर खरीदे, खदेड़े भगाए, और हिरन क्या है अपने मुंह को छुपा ले, समझे कि बस अब मैं बस छुप गई हूं, नहीं छुप जाएगी ऐसे, तो कान दबाने से आप लोग जो है बच जाएंगे जी, नहीं बचेंगे। वो जिक्र और अधिकार का एहतमाम किए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतमाम किया करते थे। सुनन तिर्मिजी में रवायत है कि जब बादल गरजता और बिजली चमकती तो आप फरमाते, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिगदबिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफिना क़ब्ल ज़ालिक, 3 जुमले हैं बस, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिगदबिक, ऐ अल्लाह ताला नाराज होकर के हमें कत्ल ना कर दे
बहुत से लोग बिजली से मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते हैं, सुनते हैं ना आज खबर। तो ये बंदा क्या कर, अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिगज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अपना अज़ाब नाजिल करके हमें हलाक ना कर, वआफिना क़ब्ल ज़ालिक, और इन तमाम चीजों से पहले हमें आफियत में रख। और जब बादल गरजता था तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे जी, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, ज़ुबैर अल्लाह के रसूल के फूफे के लड़के थे, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली के लड़के थे, पागल, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे थे, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर हज़रत अबू बकर के नवासे थे, हज़रत अबू बकर के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साली के बेटे, बल्कि आपके नज़दीक बड़े महबूब थे। आपकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी थी इन्हीं के नाम पर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के। तो मुअत्ता इमाम मालिक में है कि जब बिजली गरजती थी तो वो कहा करते थे, सुबहानल्लज़ी युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, सुबहानल्लज़ी युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। ये कुरान मजीद सूरह अर्रअद के एक आयत का टुकड़ा है, पहले दूसरे सफ़े में है, सुबहानल्लज़ी युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। तो साथियों ये चंद बातें थीं जो मौसम सरमा की आमद पर आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें और आपको दीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस मौसम सरमा में हमें जो खैर के पहलू हैं उससे मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, और जो शर के पहलू हैं अल्लाह ताला हमें और आपको उससे محفوظ رکھے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔